नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। पहले रहे लिनिन में, फिर युवती को जान से मारा, गला दबाकर की हत्या, ऐसा क्या हुआ? जो दोनों के बीच हुआ विवाद, छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक युवती की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच में पुलिस 3 दिनों से जुटी हुई थी, लेकिन असली गुनहगार कौन है इसका पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि अब इस मामले का खुलासा हो गया है। युवती की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने की है। आरोपी ने युवती को गला दबाकर जान से मार दिया है। पूरा मामला कुसमुंडा थाना क्षेत्र के सौंदरहा का है। जानकारी के मुताबिक मृतका युवती और युवक का प्रेम संबंध चल रहा था, इसी वजह से दोनों लिव इन में रह रहे थे। आरोपी युवक के एक बच्चा भी है जो उसकी पहली पत्नी से है। पहली पत्नी की बात की जाए तो उसकी मौत काफी समय पहले हो गई है, जिसके बाद से कोरबा में रहने वाली 37 साल की मृतिका राम कुमारी कश्यप का अफेयर जांजगीर चांपा के रहने वाली मनबोध भारद्वाज से चल रहा था। पुलिस की माने तो पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा है। इसके बाद थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की है। काफी वक्त तक तो आरोपी ने मुंह तक नहीं खोला, लेकिन कुछ देर बाद एक एक बात विस्तार से बताई, जिससे साबित हो गया कि असली गुनहगार यही व्यक्ति है। दोनों के बीच पहली पत्नी के बच्चे को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका को, जी हाँ उसे जिसके साथ लिव इन में रह रहा था, उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। युवती की हत्या करने के बाद लाश पर पेट्रोल जलाकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस काम में युवक सफल नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने जैसे ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, उसी वक्त पता चल गया कि मृतका को जान से मारने वाला उसका प्रेमी ही है।